दोस्तों, तो एक और नया ट्विस्ट आ चुका है जोमेटो डिलीवरी बॉय केस में, जो कि पिछले दो दिन से ट्रेंड कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही है। इनका नाम है हितेशा चंद्रानी, जो कि एक मॉडल थी। तो इन्होंने एक डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाया था कि उसने मेरे पंच मारा है, एक घूंसा मारा है नाक पर, और उससे मेरी नाक भी टूट गई है। लेकिन जबकि जब उस गाय को पकड़ा गया, जो डिलीवरी बॉय था उसको पकड़ा पुलिस ने, तो उससे जब पूछताछ हुई तो केस कुछ और ही निकल आया सामने। तो जो कामराज था, जो पकड़ा गया था, उसने बताया है कि जब मैंने इनको फूड डिलीवर किया तो इन्होंने फूड ले लिया और ऊपर से बोलने दिए, ऑर्डर मुझको फ्री में दो, मैं पैसे नहीं दूंगी और मैं कस्टमर केयर सपोर्ट से बात भी करती हूँ। तो जब इसने कहा आप बात कर लीजिए, तो उसके बाद हुआ ये कि ये काफ़ी ज़्यादा गाली भी देने लगी और पैसे देने से इनकार करने लगी, और साथ ही साथ जो वो फूड था जो डिलीवर किया था उसको भी वापस नहीं कर रही थी। और ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इनको स्लैब बोला है, जो कामराज थे उनको स्लैब बोला है इस मॉडल ने, जिसका नाम है हितेशा चंद्रानी। इन्होंने इसको कामराज को स्लैप बोला, गालियाँ दी, और साथ ही साथ बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे चप्पल मारी और बोला कि इन्होंने अपनी चप्पल निकाल के मुझको मारने लगी। तो मैं सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने आप को बचा रहा था, उसी बीच जब ये मेरा हाथ हटा रही थी तो इनकी जो रिंग पहनी हुई है इन्होंने अपनी उंगली में, उसी से इनकी नाक में चोट आई है। ना कि मैंने इनको कोई पंच मारा है, ना ही मैंने इनको कोई घूंसा मारा है। और लगभग ये बात बिल्कुल सही आ रही है, पुलिस की तरफ से ही बताया जा रहा है कि ये बंदा लगभग सही बोल रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि मतलब कोई भी वुमेन तभी तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बात जो वीडियो वायरल हो जाती है, तो जब तक हम किसी दोनों तरफ की पक्षों की बात सुन न लें तब तक हमें कोई भी अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहिए। आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।